हेलो डियर लर्नर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जोलॉजिकल टाइम स्केल आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे जोलॉजिकल टाइम स्केल अब देखिए जोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है जोलॉजिकल टाइम स्केल एक इंडिकेशन है सीक्वेंस की और ड्यूरेशन की अब सीक्वेंस और ड्यूरेशन में हम स्टडी करते हैं मेज़र दैट इज़ एराज एराज के बाद आते हैं पीरियड्स और पीरियड्स को डिवाइड किया जाता है ईपॉक्स में एक्चुअल में जुलाजिकल टाइम स्केल की हेल्प से हम ये बात करते हैं कि कौन से एरा में उसकी कौन से पीरियड में या उसकी कौन सी ईपॉक में कौन कौन सी ज्यूलॉजिकल कंडीशंस थी और उस वक्त डोमिनेटिंग लाइफ फॉर्म्स कौन सी थी चाहे वो प्लांट्स में हैं चाहे वो एनिमल्स में हैं तो जोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअल में एक एराज पीरियड्स और इपॉक का सीक्वेंस है और इसमें टाइम्स जो है उसकी क्या दी होती है ड्यूरेशन दी होती है जिसको देखकर हम डोमिनेटिंग लाइफ फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं अब एराज दे आर सिक्स इन नंबर कौन कौन से एराज हैं एजोइक आर्क्योजोइ प्रोटीरोजोइ पैलियोजोइक मेजोजोइक एंड सिनोजोइक एराज तो ध्यान रखें देर आर सिक्स एराज इन जोलॉजिकल टाइम स्केल अब देखिए इन एराज को लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोड भी एड किया हुआ है तो ये कोड है आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं अब ए से आएगा एजोइक ए से आएगा आर्किजोइ पी से आएगा प्रोटेरोजोक देन पी से पैलियोजोइक मेजोजोइ एंड सिनोजोइक तो आप इसका कोड याद कर सकते हैं एराज को लर्न करने के लिए कि आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो इससे आपके एराज जो हैं वो लर्न हो जाएंगे सो स्टार्ट विद फर्स्ट एरा दैट इज़ ए जोइक एरा तो देखिए जो ए जोइक एरा है ए मीन्स बिफोर तो एरा बिफोर द लाइफ एजोइक एरा को एरा बिफोर द लाइफ भी बोलते हैं इसकी स्टार्टिंग कब की थी इट स्टार्टेड अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स एगो तो 4500 मिलियन ईयर एगो जो कि क्या है ओरिजन ऑफ अर्थ और ये लास्टेड कितने समय के लिए रहा था 1000 मिलियन ईयर एगो का इसका क्या था ड्यूरेशन था अब एजोइक एरा में देर वॉज नो लाइफ एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो थे बट लाइफ वॉज एबसेंट इन केस ऑफ एजोइक एरा तो प्लीज इसमें ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है और साथ में इस एरा में लाइफ एब्सेंट थी नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है आर्कियोजोइक एरा आर्की आर्की का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव तो आर्कियोजोइक एरा में एरा ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इट स्टार्टेड अबाउट 3500 मिलियन इयर्स एगो एंड इट लास्टेड फॉर 1500 मिलियन ईयर एगो और इस पर्टिकुलर एरा में वी हैव द फॉसिल्स ऑफ फॉसिल किसके थे प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया तो आर्कियोजोइक एरा में जो कि एरा ऑफ प्रमेटिव लाइफ है इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका टाइम ड्यूरेशन है 3500 मिलियन ईयर्स और साथ में यहाँ पर फॉसिल्स थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के और इसकी ड्यूरेशन थी टू मिलियन ईयर्स एगो की नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीरोजोइक एरा अब प्रोटीरोजोइ एरा को हम बोलते हैं एरा ऑफ अर्ली लाइफ दिस इज एरा ऑफ अर्ली लाइफ तो इट्स अबाउट टू थाउजेंड मिलियन इयर्स एगो एंड इट लास्टेड फॉर फोर्टीन हंड्रेड मिलियन ईयर एगो एंड एंडेड अबाउट सिक्स हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो अब यहाँ पर क्या था सिंपल मैरीन इन जैसे कि जेली या फिर सॉफ्ट कोरल्स या वॉर्म्स देवर अपीयर ड्यूरिंग दिस प्रोटीरोजोइ एरा सी वीड इज द ओनली फॉर्म ऑफ द वेजिटेशन और वेजिटेशन में देखा जाए तो ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट थी सी वीड्स थी नेक्स्ट हम बात करेंगे पैलियोजॉइक एरा अब पैलियोजॉइक एरा को क्या बोलते हैं पैलियोजोइक एरा इज द एरा ऑफ एंशियंट लाइफ पैलियोजोइक एरा को बोलते हैं एरा ऑफ एंशियंट लाइफ इट स्टार्ट्स अबाउट 600 million मिलियन ईयर एगो एंड इट for फॉर million years ago. मिलियन ईयर्स एगो अब देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पैलियोजॉइक एरा में पीरियड्स कौन कौन से हैं तो पैलियोजॉइक एरा में सिक्स पीरियड्स हैं कौन कौन से कैम्ब्रियन ओर्डोविशियन सैल्यूरियन देवोनियन कार्बोनीफेरस और साथ में परमियन आई रिपीट वंस अगेन कैम्ब्रियन ऑडोविशियन साइलूरियन डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड परमियन और इस एरा का खासियत है कि लाइफ वॉज अबंड दिस एरा एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इट केम टू क्लोज अबाउट 225 मिलियन ईयर एगो नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर पैलियोजोइ एरा की तो पेलियोजोइक एरा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एरा को किस में डिवाइड किया जाता है पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है और जो पीरियड्स हैं उनको किस में डिवाइड करेंगे ई में डिवाइड करेंगे सो लेट्स स्टार्ट हियर कि पेलियोजोइक एरा जिसको कि आप एरा ऑफ एंशियट लाइफ बोलते हैं तो इस एरा ऑफ एंशियंट लाइफ में कौन कौन सा पीरियड है पीरियड हम बात करेंगे परमियन तो देखिए परमियन की टाइमिंग है 275 मिलियन ईयर्स एगो 275 मिलियन ईयर एगो अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए थे इसमें हुआ था राइज ऑफ़ द कॉन्टिनेंट एंड ग्लेसिएशन का प्रोसेस इंक्रीज हुआ था साथ में एक्सटिंक्शन हुई थी मैरीन इनवर्टीब्रेड्स की एंड राइज ऑफ़ इंसेक्ट्स एंड स्प्रेड ऑफ द रेप्टाइल नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनिफेरस वेरी इंपॉर्टेंट कारवानी फेरस को आप क्या बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस एक्चुअल में इस पूरे टेबल में हम स्टडी क्या कर रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं पेलियोजोइक एरा और पेलियोजोइक एरा में हम स्टडी करेंगे इसमें ईपॉक्स इसमें हम स्टडी करेंगे सॉरी ईपॉक्स नहीं स्टडी करेंगे पीरियड स्टडी करेंगे नेक्स्ट आता है हमारे पास देवोनियन तो देखिए देवोनियन को बोलते हैं एज ऑफ फिशेस देवोनियन इज एज ऑफ फिशेस इसका 395 मिलियन ईयर एगो का टाइम पीरियड है मेजर इवेंट क्या हुए थे फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड सी एंड माउंटेन तो ज़्यादातर जो इनलैंड सी हैं और माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुआ था ऑरिजन ऑफ एम्फीबियंस फॉरेस्ट एंड द वर देवर ड्यूरिंग दिस देवोनियन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलोरियन तो साइलूरियन का टाइम पीरियड है 435 मिलियन ईयर एगो जिसमें कि हुआ था राइज ऑफ़ लैंड एंड फ्लैट कॉन्टिनेंट्स और इसमें हुआ था ओरिजिन ऑफ और जॉ फिशेस एंड विंगलेस इंसेक्ट तो जो भी जॉ फिशेस हैं उनका ओरिजिन और विंगलेस इंसेक्ट्स का ओरिजिन जो है वो कब हुआ है साइलोरियन में तो इसमें ध्यान देना है आपने एंड वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम जूलॉजिकल टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं तो एक्चुअल में हम टॉप टू बॉटम नहीं बॉटम टू टॉप जो है वो इसकी स्टडी की जाती है हालांकि मैं आपको यहाँ पर पहले जोक में पहले परमियन कार्बोनी फेरस डेबोनियन और सैलोरिन पढ़ाया लेकिन एज पर द रूल जो भी हम जोलॉजिकल टाइम स्केल का स्टडी करते हैं वो हमेशा बॉटम टू अपवर्ड चलता है नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे आ, Ordovician में तो ऑडोविशियन जिसको कि आप क्या बोलते हैं ऑडोविशियन को हम बात करते हैं एज ऑफ इन तो एज ऑफ इन दैट इज ऑडोविशियन टाइम पीरियड है इसका 500 मिलियन ईयर एगो और ऑडोविशियन में हुआ था एक्सपेंशन ऑफ द ओशियंस और मेजर इवेंट क्या थे ऑरिजन ऑफ वर्टिब्रिड्स और इन वर्टिब्रिड दे आर फाउंड इन अबंडेंस नेक्स्ट है कैम्ब्रियन तो कैम्बरियन का टाइम पीरियड है 600 मिलियन ईयर एगो और इसमें क्या था फीचर्स क्या थे लो लैंड क्लाइमेट मॉडरेटली वार्म एंड यूनिफॉर्म एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इवेंट में क्या हुआ था ट्राइलोबाइट्स तो ट्राइलोबाइट्स एंड दे देवर डोमिनेटिंग और एल्गी जो है वो कैसी थी इसमें प्रोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट थी तो ध्यान रखें कैम्ब्रियन 600 मिलियन ईयर एगो लो लैंड क्लाइमेट मॉडरेटली वॉम एंड यूनिफॉर्म एंड ट्राइलोबाइट्स एंड दे वर डोमिनेटिंग एंड एल्की वॉज़ प्रोमिनेंट इन दिस केस सो नेक्स्ट पहलेजोइ के बाद अब हम बात करेंगे मेजोजोइक में तो देखिए मेजोजॉइक वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट मेजोजोइक है एरा ऑफ मेडिवियल लाइफ तो यहाँ पर मेजोजोइक एरा जिसको कि आप एरा ऑफ मेडिवियल लाइफ बोलते हैं इसमें आता है हमारे पास पीरियड्स आते हैं क्रिटेशियस जुरासिक एंड ट्राइसिक तो क्रिटेशियस जुरासिक और ट्राइसिक में क्या हुआ था जुरासिक का इंपॉर्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल तो क्रिटेशियस 135 मिलियन ईयर एगो टाइम पीरियड है जुरासिक का 108 मिलियन ईयर एगो है और ट्राइसिक का 225 मिलियन ईयर एगो है तो देखिए क्रिटेशियस का इवेंट क्या था क्रिटेशियस में हुआ था स्प्रेड ऑफ इनलैंड सी एंड स्वाम्स साथ में माउंटेन जैसे कि एंडीज हिमालय एल्व्स रॉकी इनकी फॉर्मेशन हुई है एंड द क्लाइमेट वॉज माइल्ड और माइल्ड क्लाइमेट जो है वो इसमें प्रेजेंट था तो ध्यान रखें कि क्रिटेशियस में क्या हुआ था माउंटेंस का फॉर्मेशन और साथ में माइल्ड क्लाइमेट था और यहां पर एक्सटिंक्शन हुई थी जाइंट रेप्टाइल्स की एंड टूथड बर्ड्स की राइज ऑफ फर्स्ट मॉडर्न वर्ड देन फर्स्ट एनजियोस्पम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एनजियोस्पम तो आप प्लीज ध्यान रखें मेजोइक एरा और साथ में पीरियड कौन सा आएगा क्रिटेशियस नेक्स्ट हम बात करते हैं जुरासिक जिसको कि आप पर्टिकुलरली बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल 108 मिलियन ईयर एगो है और इसमें क्या हुआ था कॉन्टिनेंट्स फेयरली हाई शेलो सी ओवर पार्ट ऑफ द यूरोप एंड यूएसए क्लाइमेट लार्जली माइल्ड तो क्लाइमेट कैसा था यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट दैट वॉज प्रेजेंट और इसके मेजर इवेंट क्या हैं कि डायनोसॉर्स दे बिकम लार्ज डायनोसॉर कैसे हो गए थे लार्ज रेप्टाइल्स कैसे थे डोमिनेटिंग थे और यहाँ पर क्या हुआ था फर्स्ट मैमल और साथ में राइज ऑफ फर्स्ट टूथड बर्ड सो फर्स्ट टूथड बर्ड फर्स्ट मैमल एंड रेपटाइल देवर डोमिनेटिंग एंड द डायनासोर दैट बिकम लार्ज नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइसिक ट्राइसिक टाइम पीरियड है टू ट्वेंटी फाइव मिलियन ईयर एगो एंड कॉन्टिनेट देर एलिवेटेड वाइड स्प्रेड डिजर्ट्स क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई एंड इवेंट देखिए क्या था इसमें था राइज ऑफ फर्स्ट डाइनासोर देखिए राइज ऑफ़ फर्स्ट डायनासोर एंड एक्सटेंक्शन ऑफ प्रिमेटिव एम्फीबियंस जो भी प्रिमेटिव एम्फीबियंस हैं उनका एक्सटिंक्शन हुआ है लेकिन यहाँ पर जो भी डायनासोर हैं डायनासोर का क्या हुआ है यहाँ पर राइज हुआ है सो प्लीज रिमेंबर राइज कहाँ पर हुआ है डायनासोर का ट्राइसिक में लार्ज कहाँ पर हुए हैं ज्यूरेसिक में सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द मेजोजॉइक एरा दैट इज एरा ऑफ मिडिवियल लाइफ नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट तो इसमें हम बात करेंगे दैट इज सनाजॉइक एरा सेनाजॉइक एरा जिसमें कि हम यहाँ पर रह रहे हैं दैट इज़ एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ तो जो भी मॉडर्न लाइफ है जो प्रेजेंटली हम यहाँ पर हैं वो कौन सा है सेनाजोइक एरा है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जोलॉजिकल टाइम स्केल में एरा पीरियड्स ईपॉक इसमें डिवाइड किया जाता है और साथ में क्या होता है इसमें जोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं और साथ में जो भी टाइम पीरियड है उसका ड्यूरेशन दिया होता है तो सेनोजॉइक एरा जिसको कि आप एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ बोलते हैं या फिर आप इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं अब देखिए सेनोजॉइक को डिवाइड किया गया था पीरियड्स में तो इसमें आते हैं क्वाटनरी पीरियड एंड टर्चरी पीरियड क्वाटनरी पीरियड जिसमें की पॉक आती है हॉलोसिन जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल तो क्वाटनरी में हॉलोसिन को बोलते हैं एज ऑफ मैमल टाइमिंग क्या है इसका मिलियन ईयर एगो में जीरो पॉइंट वन मिलियन ईयर एगो जोलॉजिकल कंडीशन में क्या हुआ था एंड ऑफ फोर्थ आइस एज क्लाइमेट वाज यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ ड्राइनेस इन द डेजर्ट्स पार्टिकुलरली डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हुई थी नॉर्थ अफ्रीका में और साथ में मिडल ऑफ द ईस्ट में बायोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं मॉडर्न मैन मैमल्स बर्ड फिशेस और साथ में इंसेक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था सो so, क्वाटनरी में हॉलोसिन और होलोसिन के बाद आता है हमारे पास प्लीस्टोसिन प्लीस्टोसिन की टाइमिंग है टू मिलियन ईयर एगो आई रिपीट वंस अगेन प्लेस्टोसिन का टाइमिंग है टू मिलियन ईयर एगो तो इसमें क्या हुआ था क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली वेरिएबल तो वेरिएबल क्लाइमेट जो है वो इसमें प्रजेंट था साथ में एक्सटिंक्शन हुई है ग्रेट मैमल्स की साथ में प्रमेटिव मैम मैन वॉज कॉमन सो पॉइंट टू वी रिमेंबर एक्सटिंक्शन ऑफ द ग्रेट मैमल्स इनका एक्सटिंक्शन हुआ है जबकि जो भी प्रिमेटिव मैन है दैट बिकम कॉमन सो क्वाटनरी में क्वाटनरी में आएगा हॉलोसिन और साथ में एक पॉक दूसरी कौन सी है प्लेस्टोसिन नाउ नेक्स्ट टॉप टॉक अबाउट टर्चरी तो टर्चरी में हमारे पास आता है प्लायोसिन मायोसिन ओलीगोसिन ईसिन पेलियोसिन तो देखिए प्लायोसिन की टाइमिंग है सिक्स मायोसिन की है ट्वेंटी थ्री मिलियन ई एगो ओलीगोसिन की थर्टी एट ईओसिन में फिफ्टी फोर और पेलियोसिन में है सिक्सटी फाइव तो प्लाई सीन में आप देख रहे हैं वॉलैनिक एक्टिविटीज थी क्लाइमेट मच लाइक एज इट वॉज प्रेजेंट और साथ में क्या हुआ था यहाँ पर इमरजेंस ऑफ द मैन फॉर्म दैट इज़ एप लाइक मैन दे वर फॉर्म्ड हियर मायोसिन मायोसिन में क्या हुआ था डेवलपमेंट ऑफ द प्लेन एंड ग्रास लैंड्स तो जो भी प्लेन्स हैं या ग्रास लैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है और मैमल जो हैं दे वर एट द पीक एंड फर्स्ट मैन लाइक एप दैट वॉज फॉर्म्ड इन दिस केस ओलीगोसिन ओलीगोसिन जिसमें कि क्या हुआ था माउंटेन बिल्डिंग क्लाइमेट वॉज वार्म एंड टेम्परेट कूलर विंटर इन द सम पार्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ आर्केक मैमल्स राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप एंड एनसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैमल्स एनजियोस्पम वर डोमिनेटिंग इन ओलीगो सीन तो ओलीगो सीन में एनजियोस्पम कैसे थे डोमिनेटिंग थे और साथ में क्या हुआ था राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप नेक्स्ट आता है ईसिन ईओसिन में माउंटेन इरोजन हैवली रेनफॉल एंड क्लाइमेट वॉज माइल्ड और इसमें क्या हुआ था जितने भी प्लसेंटल मैमल थे उनकी डाइवर्सिफिकेशन हुई थी सो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि ईओसिन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लसेंटल मैमल नेक्स्ट आता है पेलियोसीन। पेलियोसिन में माउंटेन कंटिन्यू टू ग्रो एंड क्लाइमेट वाज माइल्ड और यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या हुआ था डोमिनेटिंग ऑफ मैमल्स एंड राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट, सो फर्स्ट प्राइमेट का राइज़ कहाँ पर हुआ है पहलेयो सीन में सो so थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिनोजोइक जिसको कि आप मॉडर्न लाइफ या एज ऑफ मैमल बोलते हैं इसको कॉटनरी और टर्चरी पीरियड में डिवाइड किया गया है और इसमें हमारे पास इपॉक्स कौन कौन सी आती हैं ईपॉक्स आती हैं होलोसिन प्लिससिन प्लायोसिन मायोसिन ओलीगोसिन योसिन और साथ में पेलियो तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है दैट इज समाइम इट आज दैट इज एज ऑफ इन वर्टिब्रेट देखिए एज ऑफ इन वर्टिब्रेड किस को बोलते हैं ऑर्डो ऑर्डोवीसियन को बोलते हैं एज ऑफ फिश एज ऑफ फिश बोलते हैं देवोनियन को एज ऑफ एम्फीबियंस एम्फीबियंस का एज है कार्बोनी और एज ऑफ रेप्टाइल किसको बोलते हैं जुरासिक को बोलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनवर्टीब्रेड्स में ऑर्डोविसियन है फिशेस में देवोनियन है एम्फीबिन में कार्बोनीफेरस है और एज ऑफ रेप्टाइल में जोरासिक है सो वन मार्क क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से बन सकता है सो थैंक यू सो मच और जो भी आपको इस वीडियो का पी लिंक है वो पी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो पी लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं सो थैंक यू सो मच